subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. शायद ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं इस बार रिया की साजिश के चलते दादी पहुंच सकती है मौत के मुंह में। जी हम आपको बता दें, रिया जिसकी शादी अब कार्तिक से भले ही ना हो, लेकिन इस बार दादी कार्तिक को यही समझाएगी कि तुम सीरत से ही शादी कर लो, क्योंकि कायरस को एक माँ मिल जाएगी, क्योंकि कायरस ने सीरत को अपनी माँ के रूप में एक्सेप्ट करा है। और भले कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, पर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। और ये सारी बातें चुप कर सुन लेगी रिया, और रिया इसका बदला लेने वाली सीधा दादी से, और दादी को धक्का मार के सीढ़ी से गिरा सकती है, ताकि दादी कोई भी अड़ंगा ना डाले मेरी और कार्तिक की शादी में। जहाँ दादी इस बार सीधा पहुंचने वाली है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में लेते दिख सकती है वो आखिरी सांसें। अब क्या करेगा कार्तिक आगे? क्या कार्तिक अपने दादी से किया हुआ वादे को पूरा कर पाएगा? और कार्तिक रिया की शादी होगी या नहीं, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन कार्तिक का क्या होगा आखिरी फैसला, ये जानने के लिए बने रही हमारे साथ, और साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.